बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट आपको अपने चैनल पे शामदीद कहता हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आया हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ोन भी मुझे आए हैं कि हमें कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाएँ, तो उनकी भरपूर फरमाइश पर तो आज मैं आपको कड़ी पकौड़ा बनाना सिखाऊँगा बहुत आसान तरीके से और बहुत मज़े का हम कड़ी पकौड़ा बनाएँगे। बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए कड़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें राइट साइड पे आप देख सकते हैं जग है। इसमें हमने लस्सी बना ली थी ऑलरेडी। 1 kg हमने दही लिया है, अच्छे वाला, गाढ़े वाला। उसमें तकरीबन 5 गिलास पानी शामिल करके, तो तकरीबन 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, हमारी लस्सी बिल्कुल तैयार है। उसके साथ आप देख सकते हैं लहसुन, 2 से 3 teaspoon हमने लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। उसके साथ बेसन है 1 cup। उसके साथ प्याज, इसकी भी हमने पेस्ट बना ली थी, थोड़ा सा हमें प्याज चाहिए होगा। साथ हमारे पास 4 से 5 अदद साबुत मिर्च है गोल वाली, और ज़ीरा, ये हम तड़का लगाएंगे इसके साथ। दरमियान में आलू हैं 1 से 2 अदद दरमियाने साइज़ के, उसकी इस तरह बारीक कटिंग करके आपने पानी में भिगो के रख देने हैं। अगर पानी में भिगो के नहीं रखेंगे तो वो ब्लैक हो जाएंगे। तो साथ में हमारे पास अदरक का पेस्ट, वो भी 2 से 3 teaspoon। हरा धनिया थोड़ा सा चाहिए होगा, अनारदाना ये हमें चाहिए होंगे पकोड़े बनाने के लिए। और स्पाइसेस में आप देख सकते हैं नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता है हमारे पास। ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स क्या करेंगे, जो हमने लस्सी बनाई है 1.5 liter, वो एक बर्तन में, खुले बर्तन में डाल लेंगे इस तरह से। लस्सी डालने के बाद इसमें हमारे पास जो बेसन है 1 cup ये शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा साथ मिक्स करते रहेंगे लस्सी के अंदर इसको इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये 1 cup ही आपने रखना है 1.5 liter लस्सी के लिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बेसन ऐड करेंगे तो बहुत गाढ़ी जो है ना वो आपका बनेगा ये कड़ी, तो बेहतर है कि आप 1 cup ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह इसको आपने इस तरह मिक्स करना है। मिक्स कर लिया है, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम मसाला बनाएंगे। सबसे पहले मसाला बनाने के लिए आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, मैंने ये बर्तन लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1/2 cup ऑयल डालेंगे। हाफ कप ऑयल डालने के बाद जैसे ये गर्म होगा तो हम इसमें दूसरे मसाले भी डालते हैं। नहीं जनाब, ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम प्याज का पेस्ट जो बनाया था 2 से 3 teaspoon आप कह सकते हैं ये शामिल करेंगे। साथ ही हम लहसुन 2 से 3 teaspoon उसका पेस्ट, और अदरक का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे एक साथ 2 से 3 teaspoon ये भी है, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद फ्लेम आपने स्लो ही रखना है, ज़्यादा हाई पे नहीं इसको पकाना। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें अब आपको मैं क्वांटिटी बताता चलूँ। 1.5 liter हमारी जो है वो लस्सी है, तो हम अभी फ़िलहाल 1 teaspoon नमक इसमें ऐड करेंगे। लास्ट पे हम चेक कर लेंगे दोबारा, अगर कम लगेगा मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1.5 teaspoon हमने लिया है सूखा धनिया पाउडर, 1 teaspoon हमने हल्दी, थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ऐड होती है, 1 teaspoon हल्दी ली है। 1/2 teaspoon हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 teaspoon हमने लाल मिर्च ली है, और कड़ी पत्ता है हमारे पास, ये शामिल कर देंगे एक साथ इसमें मसाले के अंदर, और मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है, और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें इस तरह से। आप देख सकते हैं जूम में इस तरह हम मसाला बनाएंगे अच्छी तरह से। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं अच्छी तरह हमने मसाले को भूना है 2 से 3 मिनट,
ऑयल भी अलहदा होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम लस्सी शामिल कर देंगे बेसन वाली, तो मिक्स करते हैं इस तरह से। लस्सी डालने के टाइम अब दोबारा मिक्स कर लीजिएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब असल काम शुरू होने लगा है। अब इसको आप स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 35 से 40 मिनट आपने इसको पकाना है। जैसे ये उबाल आना शुरू होता है फिर फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट। ले जनाब इसको कवर कर देते हैं ताकि ये हल्का हल्का पकता रहे। अब हम चलते हैं पकौड़ा बनाते हैं कि पकौड़ों के लिए मिक्सर कैसे बनाना है। अब हम पकौड़े बनाने लगे हैं, समझ लें कि पकौड़ों की भी रेसिपी साथ ही आपको मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, दो अदद हमने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे उसकी इस तरह बारीक कटिंग कर लेनी है आपने। ये हम एक बोल में डाल लेते हैं। बोल में डालने के बाद हमारे पास स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैं आपको क्वांटिटी बताता चलूं। हाफ टी स्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हमने इसमें चाट मसाला लिया है। बहुत ज़बरदस्त स्पाइसेस हैं, इसमें एक साथ हम शामिल कर देंगे इस तरह से। और साथ में अनारदाना है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, ये लाजमी डालिएगा। 1 टेबलस्पून अनारदाना अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया हुआ है वो शामिल कर देंगे। साथ हमारे पास है जनाब हरा धनिया, ये आपकी चॉइस है, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर थोड़ा पसंद करते हैं थोड़ा डाल लें, लेकिन डालिएगा ज़रूर, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में 1.5 कप हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 1 कप हम शामिल करके पहले मिक्स कर लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1/2 कप मज़ीद ऐड करेंगे। और लास्ट पे बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा 1/4 टीस्पून आपने लेना है बेकिंग पाउडर, वो भी शामिल कर देंगे। इससे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं पहले। ये हम पकोड़े तैयार कर रहे हैं कड़ी पकोड़ा के लिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अब साथ पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, इसको उसी तरह से मिक्स करें। अब इसमें 1/2 कप बेसन हम मज़ीद ऐड करेंगे पकौड़ों के लिए। नए व्यूअर्स 1/2 कप हम मज़ीद बेसन ऐड कर रहे हैं और पानी भी थोड़ा सा शामिल करेंगे साथ। नहीं जी नहीं, नहीं जनाब, हमारा मिक्सर तैयार हो गया पकौड़ों के लिए। अब इसको लाजमी आपने 10 से 15 मिनट रखना है ताकि अच्छी तरह से जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें शामिल किया है वो इसमें हल हो जाए और बड़े अच्छे पकौड़े हमारे बनेंगे। इसको ढांप के रख देंगे। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने रखा हुआ है कड़ी, इसी तरह बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट इसी तरह पकने देंगे इसको। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम पकोड़े शामिल करेंगे लेकिन थोड़ी टाइम के बाद। अब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, तकरीबन वेट करेंगे 10 से 15 मिनट। जी व्यूअर्स, पकोड़ों का मिक्सर बने हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ले जनाब पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी साइड पर हमें एक पैन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ऑयल हमने ऑलरेडी गर्म कर लिया हुआ है। अब इसमें हम पकोड़े, आपकी अपनी चॉइस है, बड़े पकोड़े बनाने हैं बड़े बना लें, छोटे बनाने हैं छोटे बना लें। इस तरह हम स्पून की मदद से बनाएंगे इस तरह से। लें जनाब,
बताता चलूँ आपको, आप देख सकते हैं इस तरह से हल्की आंच के ऊपर उबाल आ रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी और 5-10 मिनट के बाद, जब तक कि हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स, साइड चेंज करने के बाद हमारी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक चुकी है, पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ मैं आपको ज़रूरी जो टिप है कि जब आप पकोड़ा बनाएं तो उसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है ताकि वो कच्चा ना रहे, क्योंकि जब हम इसको कढ़ी में डालेंगे तो इसकी स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने के बाद आपने इसको पकोड़ों को निकालना है। स्लो फ्लेम पर पकाइएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, वो बाहर से पक जाएगा अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। लिए हैं, अब क्या करेंगे, इसको 10 मिनट आपने ठंडा करना है, फिर इसको कढ़ी के अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने से पहले हमने क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पकोड़े भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं और उसके साथ जो गोल मिर्च, जो लाल मिर्च है और ज़ीरा, इसका हम तड़का लगाएंगे लास्ट पे। तो अब दूसरी साइड पर आप देखें, अब करना क्या है, पकौड़े ऐड करने से पहले अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कढ़ी भी, आप देखें जूम में गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं कड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम नमक भी चेक करेंगे पकौड़े शामिल करने से पहले। खुशबू आई है माशाल्लाह, पूरे घर में कढ़ी पकौड़ा की खुशबू जो है फैल चुकी है, ज़बरदस्त हमारा कढ़ी पकौड़ा तैयार हो रहा है। देखिए गाढ़ा भी हो गया है। अब लास्ट पे हमने क्या करना है, हम इसको तड़का लगाएंगे। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा 5 से 6 टेबलस्पून। जैसे ये गर्म होता है फिर हम इसमें सुर्ख मिर्च 5 से 6 अदद और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ये शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुके ले जनाब, ऑयल गर्म हो चुके हैं, इसमें हम साबुत मिर्च लाल और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें शामिल कर देते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। ले जनाब कुछ ही सेकंड्स के बाद साथ ही हम इसको तड़का लगा देंगे इस तरह से ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ले जनाब, और इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह कढ़ी में शामिल हो जाए और हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। जीवर तकरीबन 2 मिनट हो चुकी है, ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें ज़बरदस्त हमारे कढ़ी पकौड़ा तैयार हुए हैं, बहुत स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ये आपने ट्राई करनी है। अब इसको डिश आउट भी करते हैं।
व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फरमाइश पे मैंने ये बनाई है। और यहाँ आपको बताता चलूँ, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो रेसिपी आने वाली है, वो इंटरनेशनल रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी आपको, वो मिस ना कीजिएगा। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ईद स्पेशल रेसिपीज मेरी आ रही हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।